अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। टाइम हो रहा है रात के 9:25 और मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कलर मिक्सिंग हो रही थी उस वाली वॉल के लिए और इस कॉरिडोर के लिए, तो बस वो कलर स्टार्ट करने लगे तो मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कौन सा कलर निकला है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पर स्टार्ट हो जाए और देखते रहिए। तो ये वाली वॉल हो चुकी है, कलर बहुत नाइस, बहुत वाव लग रहा है। रेनी ग्रे, इस मैं आपको दिखाती हूँ, रेनी ग्रे कलर है इसका और इसका आपको फ़र्क दिख रहा होगा। अभी तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत वाव लग रहा है। ये प्योर वाइट है और वो रेनी ग्रे कलर, और कॉरिडोर में भी यही कलर करवा रही हूँ रेनी ग्रे, तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा इंशाल्लाह। कलर वाले ने कहा था कि वो सुबह 9 बजे आ जाएंगे, मैं 5 बजे से उठेंगी क्योंकि मुझे दुआ को स्कूल के लिए रेडी वेडी करना था, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह। तो अभी बज चुके हैं 9:30, कारपेट भी सही से बिछाने वाले आ गए हैं क्योंकि जिसका काम उसी को सांझे। मैंने अपनी कार्रवाई उस रात चलाई थी, बिछाया था बट मुझसे सही नहीं बिछा था, तो आज वो खुद आए हैं ग्लू वगैरह लेके और वो बिछा रहे हैं, लेकिन कलर वाले अब तक नहीं आए हैं क्योंकि डोर्स वगैरह पेंडिंग है। जी ये रहा, कहाँ रखा है इन्होंने, शायद इसमें रखा है, देखें। हाँ ये रहा, ये ब्लू वाला। तो ये इधर से भी दीवार में फिक्स होगा ना। तो अब बारी आ गई है बच्चों के रूम की, ये टेप्स वगैरह लग रही हैं, बस फिर बच्चों का स्टार्ट हो जाएगा। वो बच्ची ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे किया हुआ है। मेरे मुंह पे मिट्टी से उड़ उड़ के दाने निकल आए हैं और इतना भयानक मुंह मेरा दिख रहा है। कारपेट जो फिक्स हो रहा था उसकी ग्लू ख़त्म हो गई थी, तो अभी वो ग्लू लेकर आए हैं, तो बाकी प्रोसीजर अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं। उधर बच्चों के रूम में कलर हो रहा है, ये समेटना, इसको देख देख के मुझे हॉल उठ रहा है। जिया इधर बैठी हुई है, अब हम चल के थोड़ा कलर देख लेते हैं। ये देखें, ये हालात चेक करें। किचन गंदा देख के सबसे ज़्यादा मेरा दिल दुखता है। ये रूम हो चुका है डन, इसमें सोफे वगैरह रख दिए हैं, बाकी और अभी कुछ भी नहीं लगा है, सामान वगैरह सारा सेट होगा, बट एक कमरा डन हो चुका है। और इस तरफ बन रहा है दरवाज़ों का कलर, दरवाज़ों का कलर बनेगा। बच्चों का रूम भी ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट नहीं टोटली डन है, ये भी सारा डन है। फुल लुक, फाइनल लुक दिखाऊंगी, बस अभी दरवाज़ों का कलर बनता है तो फिर दरवाजे स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल 5 दरवाजे हैं। इधर दुआ ज़िया को पढ़ाने में मशगूल है, ज़िया का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बेटी जो दुआ थी वो शुरू से ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छी रही है, और ये नहीं। ज़िया पढ़ाई में दिल नहीं लगता, वो कह रही है नो, नहीं लगता। दुआ की तरह पढ़ी लिखी नहीं बनोगे, नहीं ये लाइट नहीं है ये जो आपने बनाया है, नहीं नहीं थोड़ा और डाल दे, ये लाइट दिख रहा है ना कार्ड में, तो ज्यादा डार्क दिख रहा है। ये इधर देख, किधर ये जो जहां पे दिस है,
ये ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही है जो हुआ है। पहले जो हुआ हाँ वो अब सही है। ये हो रहा है दरवाज़ों पे कलर, ये वाला कलर इस वाले दरवाज़े पे हो चुका है, इस तरह का कुछ ये कलर है लेकिन बहुत प्यारा है। ये बच्चों के रूम में भी कलर डन हो चुका है, बच्चों को बहुत पसंद आया। तो ये एक ये हो चुका है, इग्नोर करें वॉशरूम, एक ये वाला दरवाज़ा हो चुका है और अब ये बेडरूम का हो रहा है। फिर बस वो दो दरवाज़े बचेंगे, टोटल पाँच हैं। और ये सिचुएशन है इस वक्त खलारे की। लास्ट दरवाज़ा हो रहा है वॉशरूम का, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए हैं। बस ये हो जाएगा तो मैंने अपनी हेल्पर को कॉल की है, वो अभी आ जाएगी। तो बच्चों का रूम सबसे पहले सेट कर लेंगे, यहाँ से सारा जो है कचरा वगैरह वो बाहर निकलवा लेंगे। हॉल ड्राइंग रूम को तो मैंने पूरा सुबह में सेट कर दिया है, तो ये जितना भी कचरा वगैरह ये सब निकल जाएगा तो स्पेस हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो डस्ट और पेंट की जो स्मेल है उससे इतनी ज़्यादा छींके, इतना एलर्जी हो रहा है। धुआँ तो वैसे ही बीमार है, सुबह उनको स्कूल से लेकर आ गए थे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। अभी वो डॉक्टर के ही गई हुई है, आएगी तो पता चलेगा। तो बस सब मैं हेल्पर का वेट करती हूँ, इतने में वॉशरूम का डोर हो जाएगा तो काम यहीं पर वाइंड अप हो जाएगा। और बाकी जो सेटिंग्स वगैरह है, न्यू चीज़ें बाय करना वगैरह, वो सब स्लो स्लो होती रहेंगी। अभी ये पूरा गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है। ये कलर है, आपको फ़र्क लग रहा होगा अभी वाइट के साथ के एक्चुअल में दरवाज़े का कलर है क्या। तो ये है दरवाज़े का कलर जो कि बहुत अच्छा है। तो अभी ये सारी सेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, ये भी सारा क्लीनिंग होगी सोफ़ों वगैरह की, बुलाया है उसको। मगर सबसे पहले मैं हेल्पर से किचन क्लीन करवा लूँगी ताकि मैं कुकिंग कर सकूँ, दो दिन से बाहर का चल रहा है। दो दिन में कलर हो गया, कल सुबह 11 बजे शुरू किया था और आज से मतलब पूरे हॉल, तीनों रूम, डोर, सब 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 बहुत। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अब आगे फर्दर मैं आपको दिखाऊँगी क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हम न्यू बाय कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अली के वन, बाय बाय।